प्रदेश कमेटी का विस्तार। कांग्रेस में 3 उपाध्यक्ष, 13 महासचिव और 31 नए सचिव बने। कई युवा चेहरों और अनुभवी नेताओं को कमेटी में जगह मिली है। आपको बता दें कि 4 नए जिला अध्यक्ष घोषित हुए हैं, वहीं 6 शहर अध्यक्ष भी बदले गए हैं। यूपी कांग्रेस ने चुनाव संबंधित विभिन्न कमेटियां भी घोषित कर दी गई है। चुनाव अभियान कमेटी के चेयरमैन बने पीएल पुनिया, संयोजक बने राकेश। वहीं चुनावी रणनीति और प्लानिंग कमेटी के चेयरमैन बने हैं राजेश मिश्रा। चार्जशीट कमेटी के अध्यक्ष बने हैं प्रमोद कृष्णन। नदीम जावेद होंगे संयोजक। लखनऊ से खबर। कांग्रेस में 3 उपाध्यक्ष, 13 महासचिव और 31 नए सचिव बने हैं। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, तू जानना चाहेंगे, संदीप खबरें सामने आ रही है कि अब 4 नए जिला अध्यक्ष घोषित कर दिए गए हैं, वहीं 6 शहर के लिए भी घोषित कर दिए गए हैं अध्यक्ष की, तमाम जानकारी आपसे जानना चाहेंगे संदीप। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, उसी तरीके से विपक्ष जो है कांग्रेस की पार्टी की अगर बात करें तो वो अपनी रूपरेखा पूरी तरीके से अब तैयार करने में लगी है। इसको लेकर के वो अपने कमेटी का विस्तार कर रही है और उत्तर प्रदेश के हर जिलों में लेकर के जगह जगह से अपनी कमेटी के मेंबर को खड़ा करने की बात करें। तो यूपी कांग्रेस की अगर हम बात करें तो 3 उपाध्यक्ष और 3 महासचिव और 31 नए सचिव बनाए गए हैं, जिनमें जो नए चेहरे हैं उन युवाओं चेहरों पर विशेष तौर पर ध्यान दिया गया है, उन चेहरों को सामने लाया गया है, इनके नामों को घोषणा जो है कर दी गई है, क्योंकि अनुभवी नेता को कमेटी में जो जगह मिली है उनको लेकर के अब युवा चेहरों को भी जो है जगह दी जा रही है। और इसमें बात करें तो नए 4 नए जिलाध्यक्ष घोषित किए गए हैं, उनमें 6 शहरों के उपाध्यक्ष भी बदले गए हैं। तो इस कमेटी को लेकर के जो राजेश मिश्रा पे एक चेयरमैन बनाया गया है, उन पे जो है कमेटी ने एक बार जो फिर से जो है जिम्मेदारी दी है। इसके साथ साथ इलेक्शन समन्वय समिति के चेयरमैन बने हैं निर्मल खत्री, जो कि पुराने नेता हैं और एक वरिष्ठ नेता है। इसके साथ साथ अखिलेश प्रताप सिंह की अगर बात करें, वो भी पुराने नेता है, उनको भी संयोजक बनाया गया है। तो जिस तरीके से लगातार अब जो है जो कमेटी है, कांग्रेस कमेटी है, वो उसपे विस्तार करना शुरू कर दिया है और उसने जो है पुराने नेताओं को भी साथ में रखा है। इसके साथ साथ युवाओं चेहरों को जोड़ने का प्रयास किया है, क्योंकि आगामी चुनाव को लेकर के जो तैयारियां हैं, जो मंथन है, उन मंथन पर पूरी तरीके से विचार कर रही है कांग्रेस की पार्टी और निश्चित तौर पे अपना जनाधार पाने के लिए नए चेहरों को भी सामने ला रही है। जी संदीप, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बता दें कि अब यूपी कांग्रेस में चुनाव को लेकर काफी अब सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वहीं चुनाव अभियान कमेटी के चेयरमैन बने बीपीएल पुनिया, चुनावी रणनीति और प्लानिंग कमेटी के चेयरमैन राजेश मिश्रा बने हैं। जुगे झोपड़ी सम्मान यात्रा के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक, दोनों के अलग हैं रंग पर दोनों का एक अनोखा स्वाद।